हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। तो आज की जो वीडियो है वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। आज की वीडियो में आपको डॉलन्स की जो फुल ऑटोमेटिक मशीन है उसका रिव्यू करूंगी, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या नुकसान हैं, आपको ये लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। अभी जो है वो मैंने इसमें कपड़ों का एक बैच है वो वॉश करने के लिए डाला हुआ है, तो अभी बस टाइम कम्प्लीट होने वाला है। इसके बाद जो मशीन है वो अलार्म दे देगी। ये जो है वो इस मशीन का मॉडल है, आप चेक कर लें, LVS प्लस डॉलन्स DWT 260 CLVS प्लस। तो ये मॉडल है जी इसका, जिसका मैं रिव्यू कर रही हूँ आज। मशीन ने अलार्म दे दिया, तो अब मैं इसमें से ये वाला जो बैच है रिमूव करके इसमें सेकंड बैच जब ऐड करूँगी तो आपको साथ साथ गाइड करूँगी कि इसको कैसे ऑपरेट करना है। ये देखिए जी, जो फर्स्ट बैच है वो अच्छी तरह से वॉश हो गया है। आप इसमें टाइमिंग जो है वो मैन्युअली भी सेट कर सकते हैं, जितने मतलब आपके कपड़े गंदे हैं, कम गंदे हैं, ज़्यादा गंदे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप उसमें टाइम सेट करें। जब हम मशीन से वैसे कपड़े निकालते हैं तो ये काफ़ी हद तक जो है वो ड्राई हुए होते हैं, तो इतना इनको सुखाना नहीं पड़ता दूसरे कपड़ों की तरह। अब मैंने जो है इसमें सेकेंड बैच ऐड कर दिया, तो आप इसकी क्वांटिटी चेक कर लें। अभी मैंने इसमें एक और सूट भी बाद में ऐड किया था। अब इसको ऑपरेट करने के सबसे पहले जो है टैप है, जो इसका इनलेट है जहाँ से पानी अंदर आता है, उसकी हम टैप को चलाएंगे, और उसके बाद जो उसका आउटलेट है जहाँ से पानी बाहर जाएगा उसको हम नीचे गिरा देंगे। और ये आपने जो स्टेप है वो भूलना नहीं है, क्योंकि अगर ये भूल जाए तो फिर मशीन जो है वो काम नहीं करती, और वैसे मशीन के ख़राब होने का भी फिर खदशा रहता है ना। तो फिर आपने इसको पहले नीचे गिरा लेना है। ये एक बॉक्स बना हुआ है, इसमें आप कोई भी सर्फ ऐड कर सकते हैं। तो वैसे इसको जो है वो मैं यूज़ नहीं करती इतना, मैं मैन्युअली सर्फ को ऐड कर लेती हूँ। तो अभी आप जो है वो बैच की क्वांटिटी चेक कर लें, मैं उसके अकॉर्डिंग इसमें जो है वो सर्फ ऐड कर दूँगी। आप भी जो है वो अपने कपड़ों के अकॉर्डिंग ही ऐड कर लें, या किसी कप वगैरह से मेजरमेंट कर लिया करें कि अगर आपके कपड़ों को कितना जो अभी सर्फ रिक्वायर्ड है तो आप उसके अकॉर्डिंग ऐड कर लें। मैं वैसे जो है वो अंदाजे से ही ऐड कर लेती हूँ। अभी देखिए जो मशीन है वो ऊपर तक आपको फिल नज़र आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको मैं आगे की मेजरमेंट बताऊंगी। तो सबसे पहले पावर ऑन का जो बटन है वो टच करेंगे, मशीन आपकी ऑन हो जाएगी, और ये ऑटोमेटिकली जो है वो नॉर्मल पे सेट होती है, तो सारे ऑप्शंस आपके सामने आ रहे होते हैं। तो आप इसको वैसे भी रन कर सकते हैं, आप स्टार्ट करेंगे तो मशीन स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन मैं जो है वो इसको अपने जो कपड़ों के बैच के अकॉर्डिंग जो है वो मैन्युअली सेट कर लेती हूँ। सबसे पहले जो है वाटर लेवल हम जो है वो चेंज करेंगे, वाटर लेवल मैं 4 या 5 तक ही मैं रखती हूँ, तो यहाँ पे मैंने जो है वो सेट कर लिया। उसके बाद मैं है वॉश का जो टाइम है वो सेट करूँगी, तो यहाँ पे मैंने है वो 12 रखा था। उसके बाद रिंस जो है वो मोस्टली मैं 2 ही रखती हूँ। इसके पास स्पिन आ जाता है, स्पिन आप 7 to 9 जो मर्जी टाइम रखना चाहिए रख सकते हैं, लेकिन 7 पर मोस्टली स्पिन हो जाते हैं, तो मैं 5 या 7 ही रखती हूँ। बस ये सारी सेटिंग करने के बाद आप इसको स्टार्ट का जो है वो बटन ऑन कर देंगे, तो मशीन आपकी जो है ऑपरेट करना शुरू हो जाएगी। अगर आपको इसके दरमियान बाद में भी चेंजिंग करनी है तो आप पॉज करके दोबारा भी चेंजिंग कर सकते हैं। इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन इसमें जो एडवांस फीचर आता है इसका, वो है जी चाइल्ड लॉक का, क्योंकि अगर गलती से एक टच हो जाए तो मशीन जो है वो बंद हो जाएगी, या फिर आपको दोबारा से प्रोसेस करना पड़ेगा, या कोई बच्चा हाथ लगा दे, तो उसको आप अवॉइड करने के लिए इसको चाइल्ड लॉक पर रखें। चाइल्ड लॉक लगाने के लिए हम इन जो दो ऑप्शंस हैं वाटर लेवल और डिले स्टार्ट एयर ड्राई, इसको हम इकट्ठा प्रेस करेंगे तो हमारा जो चाइल्ड लॉक है वो लग जाएगा। अब जो है मशीन पे टच नहीं होगा, तो अगर आपको दोबारा इसको टच करना है या कोई भी चेंजिंग करनी है तो आपको दोबारा से जो है वो चाइल्ड लॉक हटाना पड़ेगा। इस मशीन को यूज़ करने के बाद मेरी आपको रिकमेंडेशन समझ लें या एडवाइस भी है कि इस बहुत ही ज़्यादा टाइम सेविंग है, आप इसके साथ साथ दूसरे काम भी ईजिली कर सकते हैं, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये भी है कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। अगर आपको 4 to 5 बैच एक दिन में वॉश करने हैं तो आपको पूरा दिन लग सकता है इसमें, क्योंकि 1 और या 45-51 मिनट्स तो ऑलमोस्ट ये ले लेती है।